बिहार में 18 जून से पुल गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। सारण, सिवान, मधुबनी, मोतिहारी, अररिया, किशनगंज, चारों ओर पुल पुलिये गिर रहे हैं। इनमें कुछ 30 साल पुराने हैं तो कुछ 20 साल पुराने और कुछ तो बनते ही बनते बिखर जा रहे हैं। बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से मिलने वाले टैक्स के पैसे जब नदी नहर में बहते दिख रहे हैं तो हर किसी के मन में सवाल यही उठता है कि आखिर ढहते धसते बिखरते पुल का जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदारी का आलम तो ये है कि दशकों तक सत्ता संभालने वाले जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता मानती है कि ये पुल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से गिरे हैं। तो सवाल है कि कुछ तो कारण जरूर रहे होंगे। ऐसे में भारत 24 ने इन ढहते धसते और बिखरते पुलों की रियलिटी चेक का बीड़ा उठाया। आखिर क्या वजह है कि इन पुलों के गिरने से आपको एक तह तक का सच हम यहां दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप बिहार में गिरे एक दर्जन पुलों पर एक रिपोर्ट हमारी देखिए। अठारह जून को अररिया में 12 करोड़ का पुल गिर गया। 22 जून को सिवान में 30 साल पुराना पुल पेड़ के पत्ते की तरह गिर जाता है तो 23 जून को मोतिहारी में 2 करोड़ की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया। 27 जून को किशनगंज 13 साल पुराने पुल की मानो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, पुल बीच से धंस जाता है। 28 जून को मधुबनी में जो पुल अभी बन ही रहा था बनते बनते 25 मीटर का बीम टूट कर गिर जाता है। 30 जून को किशनगंज में फिर से एक पुल धंस जाता है। 15 साल पुराने पुल का खंभा बीच से ही टूट जाता है। ये पुल भी कभी भी धराशायी हो सकता है। 3 जुलाई को सिवान में एक नहीं तीन पुल धड़ाधड़ धराशायी हो जाते हैं। 3 जुलाई को अकेले सारण में एक नहीं दो पुल नदी में कूद जाते हैं। 4 जुलाई को सारण में एक और पुल गिर जाता है। बिहार में ऐसा क्या हो गया है 20-30 साल पुराने पुल अभी गिर जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो पुल बन ही रहे थे वो बिहार में गिरने लगे हैं? ऐसा क्या हो गया है कि अभी पानी नदी में बहुत बढ़ा नहीं फिर भी पुल धंसने लगे? बिहार में एक दर्जन पुलों की जल समाधि और जर्जर पुलों की रियलिटी चेक देखिए। नदी की बहती हुई धारा पुल गिरने का जिम्मेदार है या फिर जमकर भ्रष्टाचार? भारत 24 ने बिहार के हर जिले में स्थित पुलों की दुर्दशा को आप तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है और अपने दर्शकों को सतर्क करना ही हमारा मकसद है। हमारे संवाददाता पुलों के तह तक जाकर रियलिटी चेक कर एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार में कुल मिलाकर के एक दर्जन से ज्यादा पुल गिर गए हैं। कुछ छोटे पुल हैं तो कुछ करोड़ों के पुल हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब बिहार में 100 साल पुराने पुल अभी भी उसी अवस्था में खड़े हैं। हालांकि अब उसकी भी स्थिति जर्जर जरूर हो गई है। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जो स्थिति दिखाई उसे देख करके उस पर चलने वालों की रूह जरूर कांप जाएगी, लेकिन इससे पहले जो पुल गिरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 या फिर 30 साल पहले बने थे। एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। जून को सबसे पहले अररिया में 12 करोड़ का पुल गिरा। इसके बाद पुलों के गिरने की झड़ी लग गई। जो पुल अभी बन ही रहे हैं वो पुल भी धसने लगे, यानी इस बार बेईमानी का सीमेंट, भ्रष्टाचार का कंकड़ पत्थर सब बह गया।
बिहार में लोगों के लिए अब ये परेशानी का सबब बन गया है। ऐसे में भारत 24 की मुहिम है कि बिहार के हर पुलों का रियलिटी चेक कर हम अपने दर्शकों को सतर्क करेंगे। आज चंपारण से सागर कुमार और मुजफ्फरपुर से विशाल भारत 24 के दो संवाददाता अपने अपने जिले के जर्जर हो रहे पुलों का सूरत हाल बयां करेंगे। भारत 24 की टीम मुजफ्फरपुर दरभंगा NH-57 पर बूढ़ी गंडक नदी पर बने दादर पुल की पड़ताल करने पहुंची। यहां पुल की स्थिति बेहद ही जर्जर हो गई। पुल के रेलिंग से लेकर गार्डर और बीच के हिस्से को जोड़ने वाली स्पैम की सरिया भी अंतिम सांसें गिन रही हैं। यानी हादसों को दावत देता ये दादर पुल कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस पुल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका कई सालों से मरम्मत तक करने की जहमत नहीं उठाई गई। जिस हिस्से की सालों पहले मरम्मत की गई, उसे भी खाना पूर्ति के लिए किया गया। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पटना से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी को जोड़ने वाला ये पुल जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर न्यू बाईपास 4 लेन के बन जाने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन दादर पुल की दुर्दशा का जीता जागता उदाहरण हमारे संवाददाता विशाल की इस रिपोर्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के दादर इलाके में हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मुजफ्फरपुर दरभंगा को जोड़ने वाली और सीतामढ़ी दूसरे जिलों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग जो 57 उसका ये पुल है। बेहद महत्वपूर्ण पुल माना जाता है और जो ट्रैफिक लोड है इस पर बहुत ज़्यादा है। पुल की बात करें तो पुल करीब 40 वर्ष पुरानी है, लेकिन यह पुल की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। पुल की हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जो पुल का ऊपर का जो गार्डर के साथ जो उसका हिस्सा है उसमें आपको छर जो है, जो अंदर का सरिया है वो नजर आ रहा है। इसके बाद हमारी टीम पश्चिमी चंपारण जिले में पहुंची। यहां भारत 24 के रिपोर्टर सागर कुमार ने रामनगर प्रखंड के रामनगर शिवपुर मुख्य सड़क के बीच बलोर नदी पर बने इस पुल की तस्वीर भेजी है, आप भी देखिए। इस पुल से गुजरने वाले लोग अपनी जान हथेली पर लेकर जाते हैं। ये पुल कब गिर जाए इसका कोई पता नहीं। पुल जिस बीम पर रुका है उस बीम ने भी साथ छोड़ दिया। हमारे संवाददाता ने पुल के नीचे जाकर उसकी स्थिति के बारे में बताया, एक रिपोर्ट देखिए। पुलों का गिरने का सिलसिला जारी है और हम ऐसे में पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड के बलोर नदी के पास, कोट बंजरे गांव के समीप बलोर नदी के पुल के पास पहुंचे हैं और इसका स्थिति दिखाते हैं कि ये कितना जर्जर है। यह पुल का स्थिति देख के आपकी रूह कांप जाएगी। 20 से 25 साल पहले बताया जाता है कि ये पुल बना था। अभी हम दिखा रहे हैं ये कंक्रीट तोड़ के कैसे इसके पत्थर जो इसके मसाले हैं, मटेरियल है, वो टूटती नज़र आ रही है। पूरे तरह से इस जर्जर पुल पर हजारों की संख्या में हर रोज लोग आते और जाते हैं। अब तस्वीरों में देख रहे थे कैसे इसकी कंक्रीट जर्जर हो गई है। ये पुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बहरहाल इन पुलों पर सरकार की नजर कब पड़ेगी इसका तो अभी भी किसी को नहीं पता। क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार में पिछले एक दर्जन पुलों के गिरने के बाद वहाँ सियासत भी तेज है। सरकार के मंत्री ने कहा कि अकेले हमारे विभाग का पुल नहीं गिरा। विपक्ष कहता है कि हमारे मंत्री रहते वाला पुल नहीं गिरा। सत्ता पक्ष कहता है कि तेजस्वी जब मंत्री थे तो वो बताएं कि पुल क्यों गिरा। पुल ऐसी पॉलिटिक्स में फंस गया कि पुल की समाधि का सच निकालना ही मुश्किल हो गया। सीवान और सारण में गिरे पुलों की जब सरकारी रिपोर्ट आई तो उसमें जल संसाधन विभाग की तरफ से कहा गया कि 70 करोड़ खर्च करके नदी की गाद सफाई का काम हुआ। गाद सफाई में नियमों का पालन नहीं किया गया। गाद सफाई में सरकारी इंजीनियर ने ध्यान नहीं दिया।
आशंका है कि पुलों के खंभों के पास खुदाई करने से पुल कमजोर हुए। अब सवाल है कि क्या बिहार में नदियों की ऐसी सफाई की गई कि पुलों को ही कमजोर कर दिया गया। अब जो बिहार में पुल गिरे हैं उनकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। आखिर इन पुलों के निर्माण में कितने पैसे खर्च हुए थे और ये कितने साल जनता को सेवा दे पाए। सारण में 3 जुलाई को जो दो पुल टूटे उसमें एक 2004 और दूसरा 2009 में बना था। सारण में 4 जुलाई को पुल ढहा, ये गंडकी नदी पर साल 2009 में बनाया गया था। सीवान में जो 3 जुलाई को 3 पुल धड़ाम हुए उनमें एक पुल 1982 में बना था, दूसरा 1998 और तीसरा 2004 में। 25 जून को जो मारिया नदी में पुल क्षतिग्रस्त हुआ वो 2011 में बना। अररिया में जो बकरा नदी पर 18 जून को पुल गिरा वो 2021 में ही बनना शुरू हुआ था। मधुबनी में 27 जून को जो पुल ढहा वो भी 2021 में बना था। पूर्वी चंपारण में 23 जून को जो पुल गिरा वो इसी साल 2024 में बना था। अब ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में पुल ध्वस्त क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह खराब डिजाइन, घटिया निर्माण सामग्री, लापरवाही, पुराने होते पुलों का गैर जिम्मेदार तरीके से रखरखाव, दोषपूर्ण बोली प्रक्रिया, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी सबसे बड़ी वजहों में से एक है जिनके वजह से पुल के गिरने की घटनाएं होती हैं। लेकिन भारत 24 का मुहिम बिहार में भ्रष्टाचार के पुल का रियलिटी चेक लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।